हम लोग एक मैप बना रहे थे पैदल यात्रा का, कि जो केदारनाथ में एक जमाने में पैदल यात्रा जाती थी हरिद्वार से, हरिद्वार हर की पैड़ी पे लोग आते थे, स्नान करते थे, अपने रिश्तेदारों को नमस्ते करते हुए चले जाते थे कि हो सकता है वापस आए, ना भी आए तो स्वर्ग ही जाएंगे सीधा। तो वो पैदल चला करते थे और हमारे प्रदेश में मुझे लगता है पर्यटन जो है उसमें पैदल चलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो जब मैंने केदारनाथ में डिजास्टर देखा और मैंने ये देखा कि वहां पे कितने पैदल रास्ते हैं, इतनी पगडंडियां थी एक जमाने में, बांग्ला में मिले हमें, तमिल में मिले हमें, मलयालम में मिले, तेलुगु में मिले, लेकिन नॉर्थ इंडिया से किसी ने नक्शे बनाने की सोचा नहीं, लेकिन वहां के यात्रियों ने नक्शे बनाए हुए थे। तो अगर वो रास्ते हम लोगों को याद होते, अगर वो रास्ते हम लोगों को पता होते, यूथ को पता होते, तो जितनी कैजुअल्टीज केदारनाथ डिजास्टर में हुई उतनी कैजुअल्टीज कभी भी नहीं होती, लोग आराम से निकल के आ सकते। लेकिन हम पूरा एक हाईवे पे डिपेंड कर गए, और जहां तक पलायन की बात है, जितना चौड़ा हाईवे आप बनाएंगे वो उतना चौड़ा हाईवे, या जितना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो लोगों को नीचे लाने का काम करेगा, कभी भी ऊपर ले जाने का काम नहीं करेगा, ऊपर ले जाने का काम पगडंडियां ही करेंगे। तो हमारे सामने ये एक सवाल था कि जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन एक ये आइडिया था कि कुछ वॉकिंग को लेकर टूरिज्म डेवलप किया जाए। सब मर चुकी हैं, गंदे नाले बन चुके हैं, हम सरकार को कोसते रहते हैं, सरकार कुछ करती थी। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगली बार जब किसी को बुलाएं तो ये जो फूल आप देते हैं, एक फूल दे दीजिए, और कम से कम इस पन्नी में तो पैक मत करिए। हाँ, एक तुलसी का पौधा दे दीजिए या कोई पौधा दे दीजिए। सही बात है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा मोमेंटो के बीच में हम लोगों ने आज आपके लिए प्लांट सैपलिंग ही रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहाड़ों को और पौधों को प्रमोट करें, वी आर इको फ्रेंडली ग्रुप, तो मोमेंटो के रूप में भी हम आपको पेश करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो प्लास्टिक है, मैं भी जितने लोग आए हुए हैं सब यही शायद छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो डस्टबिन में जाएगा, लेकिन उसके आगे का हम नहीं सोचते कि वो डस्टबिन से चीज कहाँ जाएगी। सिमिलरली विद वाटर, ये जो पानी है जो हम पीते हैं, बिस्लरी जिसको हम बहुत प्योर समझ के पीते हैं, ये प्लास्टिक की बोतल में पैक होता है, और प्लास्टिक जब भी अपने सोर्स से निकलता है तो वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, कांच की तरह, अगर उसको गिराएंगे तो टूट जाए। तो धीरे धीरे, खासकर गरम खाना, अगर हम मैगी या मूंग की दाल का हलवा, जो कि लोग शादियों में बहुत चाव से खाते हैं, प्लास्टिक के उसमें खाते हैं प्लेट में, तो वो उसमें वो थैलेट लीच हो जाता है, रिस जाता है। अगर हम प्लास्टिक नदियों में डालते हैं तो हमारे वाटर सोर्सेज में वो पॉइजन लीच हो जाता है। अगर हम लैंडफिल में उस प्लास्टिक को डालते हैं तो वहाँ पे वो हमारी मिट्टी में चला जाता है, हमारी सब्जियों में चला जाता है, हमारे खाने में चला जाता है। तो हम पर्यटन को तो कह रहे हैं कि ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन हमारी सारी नदियाँ प्लास्टिक से अटी पड़ी हुई हैं, हमारे यहाँ गार्बेज का बहुत बड़ा इश्यू है। तो दो मिनट रुकी है और देहरादून से शुरुआत करी, जिसका नाम रखा बीन देयर डून दैट, और लोगों को वॉक्स के लिए इन्वाइट किया कि आप आइए, अपने शहर की हेरिटेज को देखिए, कल्चर को देखिए, और हमारे साथ चलिए पैदल, और इन इश्यूज पे भी बात करिए जो हमारे शहर के सामने खड़े हुए हैं। आज हमारा एक हमारे पास 5 व्हाट्सएप ग्रुप है, हम एक मैसेज भेजते हैं तो 5 व्हाट्सएप ग्रुप के लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। हर वॉक में 100-150 लोग होते हैं। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि 2-3 महीने से ज़्यादा चलेगा, आज तीसरा साल है, 200 वॉक्स हो चुकी हैं।